हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ एग्जिम बैंक, जो हम कर रहे हैं बुक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से, पब्लिश्ड बाय महावीर पब्लिकेशंस एंड ऑथर्ड बाय डॉक्टर एफ सी शर्मा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में आपने थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास में, कि ये एपेक्स बैंक है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जिसका पर्पज़ है कि एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और फॉरेन रिजर्व्स बेटर हों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमनली जिसको एक्सिस बैंक कहते हैं, एस्टेब्लिश हुआ था 1982 के अंदर। एक एक्ट बना था पार्लियामेंट के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। इस एक्ट के बेसिस पे जनवरी 1982 के अंदर एक्सिम बैंक एस्टेब्लिश हुआ। जनवरी में एस्टेब्लिश हुआ, वर्किंग शुरू हुई थी मार्च 1982 के अंदर। फुली ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं इसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट से हैं कुछ पर्सन्स, कुछ आरबीआई से हैं, कुछ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC से हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और बिजनेस कम्युनिटी से हैं। तो पहले जो काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट करता था, एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शन ऑफ IDBI, वो अब टेक ओवर कर लिया है एग्जिम बैंक ने 1982 से ही। तो जो इसकी कैपिटल है वो सारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 2004-05 के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 200 करोड़ इसके अंदर डाल के 850 करोड़ कर दी। आज के दिन हम चेक करेंगे ऑनलाइन कि कितनी है इसकी कैपिटल। सोर्सेज ऑफ फंड्स एग्जिम बैंक के अब कई तरह से आते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लोन्स की रेपेमेंट, RBI से लोन्स, डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट से बॉन्ड्स या लोन्स, इन सब तरह से एग्जिम की कैपिटल इकट्ठी होती है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और बाकी सारे इंडिया और अब्रॉड के अंदर ऑफिसेज हैं। पहले पढ़ लेते हैं एग्जिम बैंक के ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंस फैसिलिटेट एंड प्रमोट इंडियाज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को पैसा अवेल कराना, कहीं प्रॉब्लम्स है तो फैसिलिटेट करना और उसको प्रमोट करना, ये मेन फंक्शंस हैं। और उसके और जो भी आगे फंक्शंस होंगे वो इसी के लिए किए जाएंगे। टू इंश्योर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोर्टर, टू प्रोवाइड अटेंशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। एनकरेज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उसका एक्सपोर्ट, कि हमारे कंस्ट्रक्टर्स वहाँ जा कर के कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, दैट इज़ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। या कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ की कंसल्टेंसी फॉर्म्स वहाँ कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगी, दैट इज़ कंसल्टेंसी या कंसल्टेंसी और एनी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। फाइनेंस जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड, कोई इंडियन कंपनी है बाहर जाकर जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना चाहती है, उसको फाइनेंस करना। टू अंडरटेक एंड फाइनेंस द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनको सपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटीज़, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जिसने एक्सपोर्ट के लिए लोन दे दिया है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंस देते हैं। To extend buyer credit and line to credit to parties outside India. Buyer credit क्या होता है कि किसी को कुछ ख़रीदना है तो उसको कुछ गारंटी देनी पड़ती है बैंक से लेके, तो वो गारंटी एग्जिम बैंक दे देता है और वो ख़रीद पाते हैं। तो ये गारंटी किसको दे रहा है एग्जिम बैंक? टू द पार्टीज आउटसाइड इंडिया, ताकि वो इम्पोर्ट कर सके इंडिया से। लाइन ऑफ क्रेडिट का भी यही मतलब है। To tap domestic and overseas market for resources for undertaking developmental and financing activities. Domestic market और foreign market दोनों के अंदर देखना है कि exports के लिए resources कहाँ से available हो सकते हैं। To initiate and participate in debates on issues important to India's foreign trade, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो भी डिबेट्स होती हैं, ऐसी डिबेट्स को या तो कंटिन्यू कराना, ऑर्गेनाइज कराना और उनके अंदर पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट जो फंक्शन है, टू एंटिसिपेट एंड अडॉप्ट न्यू डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एजेंसी के साथ में क्लोज रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, ये विजन ऑफ एक्सिम बैंक है। टू ऑफर बेस्ट इन क्लास सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स,
in their globalization efforts through the creation of an environment for our people that rewards excellence, initiative and innovations. All in all, foreign trade ko badhawa dena, customers ki help karke. Mission statement, to develop commercially viable relationships with externally oriented companies by supporting their international efforts through a diverse range of products and services. अब उस विज़न को अचीव कैसे करेंगे? मिशन बनाया कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, एक्सटर्नली ओरिएंटेड हैं, उनकी हेल्प करनी है तरह तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ में. ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स. अब इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कुछ एक फंक्शंस करता है एग्जिम बैंक. वो फंक्शंस देखते हैं. पहला है एज ए फाइनेंसर. फाइनेंसर मतलब किस किस तरह का फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं. प्रोजेक्ट फाइनेंस, किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट करती हैं कंपनीज? कोई असेट्स लेनी है मॉडर्नाइजेशन के लिए, अपग्रेडेशन या एक्सपेंशन करना है यूनिट्स के लिए. टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री जो है अपना अपग्रेडेशन करना चाहती है तो उसके लिए फाइनेंस देते हैं. इक्विपमेंट फाइनेंस, फॉर एक्विजिशन ऑफ इम्पोर्टेड और इंडिजीनियस इक्विपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट इम्पोर्ट करना चाहती है बाहर से उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि उससे प्रोडक्ट बना के और वो प्रोडक्ट फिर एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सिम बैंक कैसे हेल्प करता है? उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता है जिससे कि वो इम्पोर्ट कर सकते हैं. ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सिम बैंक देगा बायर को और बायर देगा सेलर को एज ए गारंटी ऑफ पेमेंट. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, एक साल, एक से दो साल, दो से पाँच साल के टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल पूरा करने के लिए फाइनेंस. फाइनेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ताकि वो जितना रिसर्च करेंगे उतना डेवलप करेंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. इम्पोर्ट लोन्स, इसका मतलब है इम्पोर्ट करने के लिए लोन देना. इम्पोर्ट किन चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए? इनपुट आइटम्स, जिन इनपुट आइटम्स को यूज़ करके आउटपुट एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाएगा, ऐसी इनपुट यूनिट्स को इम्पोर्ट करने के लिए लोन देना. अंडरराइटिंग, कोई कंपनी कैपिटल मार्केट में है और उसकी अंडरराइटिंग करा के. एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस, कंपनी का प्रोडक्ट है उसको दूसरी मार्केट के अंदर एंटर कराना और उसको अच्छे से उसकी मार्केटिंग करा के सेल इंक्रीज कराना. फाइनेंस फॉर वेंचर्स अब्रॉड, कोई कंपनी बाहर जाकर ही वेंचर स्टार्ट करना चाहती है तो वहाँ उसको फाइनेंस कराना, उसकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में फाइनेंस कराना कि और लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करें और ख़ुद भी एक्सिम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है. तो ये रोल थे एक्सिम बैंक के एज ए फाइनेंसर कि फाइनेंशियली कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं. सेकंड इज़ एज ए प्रमोटर. प्रमोटर का मतलब है प्रमोट करना, कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन देना, बढ़ावा देना चीज़ों को. तो प्रमोशन के लिए जैसे कि एक्सिम बैंक क्या करता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ में एक एनुअल अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस देता है टू ए कंपनी जिसने बेस्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की हों. दूसरा, प्रोजेक्ट प्रिपरेटरी सर्विसेज ओवरसीज़ के अंदर एक्सिम बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू एनेबल इंडियन कंसल्टेंसी फर्म टू टेक अ प्रोजेक्ट प्रिपरेटरी स्टडी. कोई इंडिया की प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी फर्म है ओवरसीज़ प्रोग्राम करना चाहती है तो उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेटरी सर्विसेज कर देगी कि तैयारी का काम करेगी, उस तैयारी के दौरान जो फाइनेंस लगेगा वो फाइनेंस अवेल कराना. एक्सिम बैंक हैज़ प्रमोटेड ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड इन 1996. ये एक सक्सेसफुल कंसल्टेंसी कंपनी है और उसके अलावा एक्सिम बैंक ने और कई कंपनीज को प्रमोट किया है जैसे ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स डेवलप किए हैं, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट स्कीम लाते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, एशियन कंट्रीज इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स प्रोग्राम. इन सब के अंदर एक्सिम बैंक ने अपना प्रमोटरी रोल दिया है, इनको प्रमोट किया है. फिर है वर्किंग ग्रुप्स. ये तो थे फंक्शंस, कौन से? फाइनेंशियल फंक्शन और प्रमोटर फंक्शंस. वर्किंग ग्रुप के अंदर है कि एक्सिम बैंक की यूनिट्स, एक्सिम बैंक्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं.
फर्स्ट इज़ कॉरपोरेट बैंकिंग यूनिट, जिसका काम बैंकिंग के जैसा होता है, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स करते हैं ये, लोन्स देना, लोन्स रीफाइनेंस करना। सेकंड इज़ प्रोजेक्ट फाइनेंस, जो प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस देते हैं, या फिर सप्लायर्स क्रेडिट देते हैं। सप्लायर्स क्रेडिट मतलब किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया, सप्लायर ने उधार में माल खरीदा है, उसको क्या किया है, बिल्स दे दिए हैं, वो बिल्स डिस्काउंट कराए जा सकते हैं एक्जिम बैंक के पास जाके। प्री शिप क्रेडिट, बेचने से पहले ही बना रहे हैं और हमें पैसा चाहिए, ऑर्डर मिल गया है, अब प्रोडक्शन करना है, पैसा तो तभी मिलेगा जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस के दौरान जो फाइनेंस चाहिए वो अवेल कराना इस प्री शिप क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट, हम खुद जब बायर हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो हमें लाइन ऑफ क्रेडिट देना ताकि हम इम्पोर्ट कर सकें, और दूसरे प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। लाइंस ऑफ क्रेडिट्स ग्रुप्स, इसका काम है लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करना, विच इज़ अ सेफ मोड ऑफ नॉन रिकॉर्ड्स फाइनेंस ऑप्शन टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। लाइन ऑफ क्रेडिट दे देते हैं अब्रॉड वाले लोगों को, फॉरनर्स को दे देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, जिससे कि वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स से इंपोर्ट कर पाते हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एग्री बिजनेस ग्रुप, एग्री प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रुप, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के हैं, बैंक्स के वेरियस लैंडिंग प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, उनको देखते हैं, एक्सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, और फी बेस्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जो फीस लेके उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। तो ये वर्किंग ग्रुप्स हैं एग्जिम बैंक के, जो अलग अलग यूनिट्स में काम करता है एग्जिम। बिजनेस प्रोफाइल ऑफ एग्जिम बैंक, अब एक और थोड़ा सा ना और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के लिए कि क्या क्या काम करते हैं ये, उसको बांट, बिजनेस प्रोफाइल को बांट दिया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं तरह तरह का, एक्सपोर्ट के लिए सर्विसेज देते हैं, एक्सपोर्ट के लिए कैपेबिलिटी क्रिएट कराने के लिए हेल्प करते हैं, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं और सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। बिजनेस प्रोफाइल के अंदर ये प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगे हुए हैं उनको। कई जगह पे अब्रॉड में इसके ऑफिसेज हैं, कई एजेंसीज हैं, और कई के साथ में टाई अप है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में, जिससे कि ये अपने काम एफिशिएंटली कर सकता है। तो बैंक्स बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो पहला है कैटेगरी, दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो किस तरह का एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं, पहला ही है, इंडियन कंपनीज़ को अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए फाइनेंस देते हैं। कैसे, पहला प्री शिपमेंट क्रेडिट, कि ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के अंदर है, तो उस दौरान जो लोन दिया जाता है दैट इज़ प्री शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट, फॉरेन करेंसी में भी दे सकते हैं और रुपीज़ में भी, पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे, टू फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ एलिजिबल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। अगर अब्रॉड वाला जो पर्सन है, जो इम्पोर्टर है, वो कहे कि मैं तो पैसा रुक के दूंगा, कुछ अब दूंगा, कुछ बाद में दूंगा, तो उस दौरान उनको उधार देना है, इधर अपना भी काम चलाना है, तो सप्लायर क्रेडिट ले सकते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक से। ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अवेलेबल होता है, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे, कि प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में पैसा मिलेगा, पर पैसे की ज़रूरत तो पहले भी रहती है उस दौरान, या फिर माल भेज दिया, पैसा बाद में मिलेगा। तो इन दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनेंस करता है एग्जिम बैंक एज पोस्ट शिपमेंट सप्लायर्स क्रेडिट। ये तो था किसके लिए, इंडियन कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए। ओवरसीज़ एंटिटी, जो ओवरसीज़ इंडिया की कंपनीज़ हैं या और कंपनीज़ हैं, उनको कैसे हेल्प करता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। पहला बायर्स क्रेडिट, ओवरसीज़ बायर्स कैन अवेल बायर्स क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। ओवरसीज़ जो बाहर के बायर्स हैं वो एग्जिम बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट खरीद लेते हैं, बायर्स क्रेडिट खरीद लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से। फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो लाइन ऑफ क्रेडिट जाके दे देते हैं एग्जिम बैंक को और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। सेकंड इज़ लाइंस ऑफ क्रेडिट,
ये भी ये देते हैं ओवरसीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फॉरेन गवर्नमेंट या एजेंसीज को टू लेंड देम लोन. इट एनेबल्स देम टू लेंड टर्म लोन्स टू फाइनेंस इम्पोर्ट ऑफ एलिजिबल गुड्स. अब इंडिया जो है ये लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक किसको दे रहा है? फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. आगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसको दे देते हैं? ऐसे पर्संस को जो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इंडिया के इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं. थर्ड इज़ फॉर कॉमर्शियल बैंक्स. इंडियन कंपनीज़ के लिए देख लिया, ओवरसीज़ एंटिटीज़ के लिए देख लिया. कॉमर्शियल बैंक्स को देते हैं ये रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ कि कोई एक्सपोर्ट बिल हैं कंज्यूमर्स के 90 डेज़ की लिमिट के अंदर, तो उनको रीडिस्काउंट करा देते हैं. ये थी एक्सपोर्ट क्रेडिट्स कि एक्सपोर्ट के लिए किस किस तरह का क्रेडिट दिया जाता है या उधार दी जाती हैं. सेकंड सेगमेंट है इनके बिजनेस प्रोफाइल का एक्सपोर्ट सर्विसेज. क्या क्या सर्विसेज देते हैं? फाइनेंशियल काउंसलिंग, ठीक है, कि फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कैसे डील करना है, लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे लेंगे, ट्रेड फाइनेंस कैसे होगा, पेमेंट सिस्टम्स कैसे होंगे, जो जिनके साथ में हम डील कर रहे हैं उन लोगों की क्रेडिट फर्दीनेस कैसी है, ये फाइनेंशियल काउंसलिंग मिलती है एग्जिम से. इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जैसे कि एग्जिम बैंक का अपना नेटवर्क है यूरोपियन कमीशन नेटवर्क के साथ में, जहाँ से पता लग जाता है कि कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं. कंट्री प्रोफाइल, किसी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिटिकल करेंसी और क्रेडिट रिस्क कितना है, उस बेस पे एक पर्टिकुलर कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है. कॉमर्शियल सर्विसेज, एक्सपोर्ट मार्केट एंट्री प्लान्स कि बाहर जाकर एक्सपोर्ट करना है, मार्केट में एंट्री कैसे करनी है, क्वालिटी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट्स को ओवरसीज़ ऑफिसेज में कैसे डिस्प्ले करें, ये सब के ऊपर काम करता है एग्जिम और अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता है. इंटरनेशनल सपोर्ट देते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सप्लाई के लिए पार्टनर्स ढूंढ देते हैं ओवरसीज़ जॉइंट वेंचर्स के लिए, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रोजेक्ट ढूंढना कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के एरिया में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन और प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस देते हैं. बिल्डिंग एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, बैंक के लर्निंग सेंटर्स हैं बेंगलोर और अहमदाबाद के अंदर, अब तो और भी खुल गए होंगे, जहां वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कराते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए. इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ताकि कोई कंपनी इंडियन एक्सपोर्टर है वो अपना शेयर इश्यू कर सके. फोरफिटिंग सर्विसेज, ये फोरफिटिंग गलत लिखा हुआ है, ये होता है फोरफिटिंग. इसका क्या मतलब होता है कि मान लो हमारे पास में डेटर्स हैं, तो हम एक फोरफिटिंग कंपनी होती है, वो हमसे क्या करती है, हमारा डेटर्स ले लेती है और हमें कुछ डिस्काउंट काट के पैसा दे देती है, आगे वो डेटर्स से वो खुद रिकवर करते हैं. तो इस तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे डेटर्स हैं तो हम क्या करते हैं कि मान लो 40 लाख के डेटर्स हैं, हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5% लगा लो, 4% 5%, तो ये डिस्काउंट काट के बाकी पैसे हमें फॉरफिटिंग कंपनी दे देगी और डेटर्स से खुद रिकवर करती रहेगी. तो ये दो हो गए हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट और एक्सपोर्ट सर्विसेज फंक्शन ऑफ एग्जिम बैंक. फिर है एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन. एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन कैसे होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एस्टेब्लिश करके, प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस करा के, इम्पोर्ट को फाइनेंस करा के, मतलब कि फॉरनर्स के इम्पोर्ट को फाइनेंस करा के, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करा के, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ओपन करके, फाइनेंसिंग करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स क्रिएट करके, तो ये सब चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए. आगे थोड़ा सा डिटेल में भी आएगा. फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स फाइनेंस देने के लिए इंडियन मशीनरी को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को, तो दो तरह का फाइनेंस, दो तरह की असिस्टेंस मिलती है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड.
फंड बेस में होगा कि फाइनेंशियल हेल्प होगी और डायरेक्टली पैसा मिलेगा, और जो नॉन फंड बेस होगा फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी लेकिन वो फाइनेंशियल हेल्प एग्जिम नहीं देगा, एग्जिम किसी ना किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करा देगा जिससे अल्टीमेटली फाइनेंशियल हेल्प मिले। तो फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ में पहली है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, डायरेक्ट पैसा देना एक्सपोर्टर्स को। रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, किसी बैंक ने एक्सपोर्ट बिल फाइनेंस किया है या किसी एक्सपोर्टर के पास में सप्लायर्स क्रेडिट है तो उसको डिस्काउंट करना, तो इससे क्या होता है एग्जिम डायरेक्टली मनी दे रहा होता है। टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज फाइनेंसिंग, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। कोई कंपनी है जो कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है उसको फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं, या फिर ऐसे पर्सोनल देते हैं जो उनको टेक्निकल सर्विसेज दे सकें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं। रीफाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट, रीफाइनेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट, कोई फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जिसने एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया है तो उसको रीफाइनेंस कर सकते हैं, कि अगर एक्सपोर्टर अभी नहीं पे कर रहा है तो उसको रीफाइनेंस कर दिया एग्जिम बैंक ने। रीलेंडिंग फैसिलिटी टू बैंक्स अब्रॉड, इसी तरह से अब्रॉड बैंक्स को पेमेंट्स कर सकते हैं ताकि वो इम्पोर्टर्स को दोबारा से लोन दें। और है लाइंस ऑफ क्रेडिट, लाइंस ऑफ क्रेडिट जो ओवरसीज़ पार्टीज़ को इशू करता है एग्जिम, ताकि वो आगे अपने यहाँ के इम्पोर्ट को बढ़ावा दे सकें और इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े। इसके बाद है नॉन फंड बेस्ड असिस्टेंस, नॉन फंड असिस्टेंस में डायरेक्ट मनी नहीं दिया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, पहला है बिड बॉन्ड जो जनरली 6 महीने के लिए इशू करते हैं, एडवांस पेमेंट गारंटी, एक्सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू सिक्योर ए मोबिलाइजेशन एडवांस ऑफ 10 to 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विच इज़ नॉर्मली रिलीज्ड अगेंस्ट बैंक गारंटी। क्या होता है, एक्सपोर्टर को ये उम्मीद होती है कि एडवांस मनी मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से, लेकिन वो कब मिलता है जब बैंक गारंटी दे देता है और वो गारंटी एग्जिम बैंक के थ्रू चली जाती है और एडवांस पेमेंट की गारंटी के बेस पे मिल जाती है। परफॉर्मेंस गारंटी और 4-5 to 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इश्यूड वैलिड अप टू कम्प्लीशन ऑफ मेंटेनेंस पीरियड। इसमें मतलब एग्जिम बैंक ही एक गारंटी देता है कि परफॉर्मेंस पूरा होगा और अच्छे लेवल का होगा, जिसके बेसिस पे जिस जो फॉरेन कंपनी का जो क्लाइंट है वो मनी पे करेगा। गारंटी फॉर रिलीज ऑफ रिटेंशन मनी, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पूरा पैसा एक्सपोर्टर को नहीं मिला है, एक्सपोर्टर क्या करते हैं कि काम करवा के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5-10% रिटेन कर लेते हैं कि फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा तब बाकी का पैसा देंगे, ठीक है। तो अगर वो रिलीज़ कराना है तो क्या करता है एक्सपोर्टर, गारंटी लेता है एग्जिम बैंक से कि मेरे नाम की गारंटी दे दो उनको कि काम अच्छा ही है, फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, मुझे मेरा मनी पूरा कर दे दो। गारंटी फॉर रेजिंग बोरोइंग्स ओवरसीज़, किसी एक्सपोर्टर ने बाहर उधार लेना है उसके लिए गारंटी कौन देगा, एग्जिम बैंक देगा। गारंटी कमीशन इज़ चार्ज एट रेट्स, गारंटी के कमीशन लगेंगे कुछ ना कुछ, वो रेट्स कौन डिसाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कई बार कम हो जाती है इस केस में जब गारंटी होती है तो। फाइनेंस करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को किस तरह से, प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, इक्विपमेंट फाइनेंस करना, उनकी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फाइनेंस करना, उनके शेयर्स की अंडरराइटिंग करना, इम्पोर्ट लोन्स देना उनको, कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदने के लिए लोन देना, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस, अपने उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करानी है उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल कराना। तो ये तो थी फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज। लास्ट फंक्शन जो इनका है वो है सपोर्ट सर्विसेज ग्रुप। सपोर्ट सर्विसेज कौन सी मिलती हैं, प्लानिंग और रिसर्च करते रहते हैं जिसके बेसिस पे क्लाइंट्स को कंसल्टेशन देते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस का अरेंजमेंट,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल, लीगल सर्विसेज, HRM सर्विसेज एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ग्रुप। तो इस तरह की अलग सपोर्ट के लिए सर्विसेज भी देता है एक्सिम बैंक। नेक्स्ट है फाइनेंस फॉर रुपी एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रीपैक। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? जो फोरन में जा कर के अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब उनको रुपी एक्सपेंडिचर चाहिए, अब उनको जो भी एक्सपेंसेस रुपी की वैल्यू में करने हैं उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना इज़ फाइनेंस फॉर रुपी एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये किसको फाइनेंस करते हैं? सीधा सीधा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनेंस करते हैं ये। और ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स कौन होते हैं? जो इंडियन कंपनीज़ कर रही हैं वही हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं अपने रुपी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, या अगर कर दिया है तो उसको फाइनेंस करा सकें। फाइनेंस इन सच ए केस में भी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे फाइनेंस चाहिए किस लिए हो सकता है? परचेज ऑफ मटीरियल एंड इक्विपमेंट, हायरिंग ऑफ पर्सोनल, या पेमेंट टू बी मेड इन इंडिया टू द स्टाफ। इंडिया में जो रुपी में पेमेंट करनी है उनके लिए, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट रिलेटेड ओवरहेड्स इंडियन रुपीज़ में जिनकी पेमेंट करनी है उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल कराएगा फ्रीपैक। ऑपरेशंस कैसे होते हैं इसके? एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंस अंडर फ्रीपैक प्रोग्राम, कौन अप्लाई कर सकता है इस तरह की असिस्टेंस के लिए? इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स जिन्होंने एक प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंट्री के अंदर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जो कैश पेमेंट टर्म्स पे सिक्योर होगा, या मल्टीलेटरल एजेंसीज जिनकी गारंटी लेती हैं। तो पर्पज़ ऑफ द न्यू लैंडिंग प्रोग्राम इज टू गिव, क्यों लोन देता है इसके लिए एग्जिम बैंक? ताकि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। सेकेंड इज क्वांटम ऑफ क्रेडिट, कितना उधार देते हैं? कह रहे हैं कि 50 लाख से कम के केसेस को तो एग्जिम बैंक डील ही नहीं करता है, 50 लाख के ज़्यादा के केसेस पे, और उसमें भी अप टू 100% ऑफ द पीक डेफिशिट एज रिफ्लेक्टेड इन रुपी कैश फ्लो स्टेटमेंट। रुपी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें जो डेफिशिट बन रहा है 100% तक भी ये फाइनेंस करते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्रेडिट वर्दीनेस ध्यान में रखनी पड़ती है जो एक्सपोर्टर है उसकी। डिसबर्समेंट अंडर फ्रीपैक प्रोग्राम, डिसबर्समेंट कैसे होती है? बोरोअर कंपनी का जिस भी बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में पैसा डाल देते हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगते हैं। रीपेमेंट कैसे करनी है? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 साल के अंदर अंदर, जब प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके 4 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना रिक्वायर्ड है। और वहाँ से एक्सपोर्ट जहाँ किया है प्रोजेक्ट, वहाँ से पैसा मिले ना मिले ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फ्रीपैक को जो फ्रीपैक लोन जो लिया है उसकी पेमेंट करनी है किसी भी केस में। सिक्योरिटी क्या लगती है फ्रीपैक लोन लेने के लिए? प्रोजेक्ट से जो भी रिसीवेबल मिलते हैं, BR मिलते हैं या कोई मूवेबल आइटम्स मिलती हैं वो, पर्सनल गारंटी कंपनी के डायरेक्टर्स की, या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी, ऑप्शनल कोई दूसरा ऑप्शन डिस्कस करके। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन प्रोग्राम जो पहले छोटे से पैराग्राफ में आया था उसी को डिटेल किया है, बट इट इज़ क्वाइट एज सिंपल। प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, प्रोडक्शन इक्विपमेंट को फाइनेंस करने के लिए, इम्पोर्ट को फाइनेंस करने के लिए, एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए हैं, R&D करते हैं, फाइनेंस करते हैं कई प्रोग्राम्स को, और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन देते हैं। तो इन सब के थ्रू एग्जिम बैंक कैपेबिलिटी क्रिएशन करता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ एग्जिम बैंक जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट फ्रॉम एनी ऑनलाइन सोर्स टू गिव न्यू टू टेक न्यू इंसाइट्स। नेक्स्ट इज न्यू एक्सपोर्ट प्रोग्राम प्रमोशन प्रोग्राम्स। अब ये भी चेंज होते रहते हैं, और ये बुक मैंने आपको बताया था कि थोड़ा पुरानी पब्लिश्ड है, तो इट इज़ बेटर टू रीड दिस ऑल्सो फ्रॉम अ ऑनलाइन सोर्स। लेट अस चेक। तो ये एग्जिम बैंक हम ये ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एग्जिम बैंक वही है, 1982 में एस्टेब्लिश्ड।
और ये इनका सिंबल है, इस तरह से ई बना हुआ है। फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं वही फंक्शंस हैं इसके बारे में, बस अलग ये था कि अब इसकी जो कैपिटल है वो 1000 करोड़ है। आप एक दो वेबसाइट्स पे और देखेंगे तो आपको करंट इनसाइट्स पे मिल जाएंगे कि करेंटली क्या चल रहा है, एक्सिम बैंक फ़िलहाल किस लेवल पे डील कर रहा है। दिस इज़ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक सर्च करोगे तो वो वेरियस कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपको बताएगा, लेकिन आपको एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सर्च करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का नाम एक्सिम बैंक ही है। ये इसका हो गया हेडक्वार्टर्स मुंबई के अंदर है, चेयरमैन यदुवेंद्र माथुर, ऑफिशियल वेबसाइट है www.eximbankindia.in। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं अपने नॉलेज को। This is all about Exim Bank's lecture, and in case of any kind of query, you can discuss with me on any social media platform. Thank you very much.